प्रयागराज के कोतवाल के नाम से जगतप्रिय भगवान बेनी माधव पर अपने अधिकार और वर्चस्व के लिए आपस में भिड़े दो अखाड़ा, जिससे घंटों तक चला हंगामा। मामला प्रयागराज के कोतवाल आदि बेनी माधव मंदिर का है, जहां पर जूना अखाड़ा के तत्कालीन महामंडलेश्वर एवं महंत के विभूति नारायण त्रिपाठी के समर्थक व महानिर्वाणी अखाड़ा के साधुओं के बीच कहासुनी हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि कई थानों की फौज बुलाकर भीड़ एवं साधुओं को नियंत्रित किया गया। बताया जा रहा है कि 2020 में तत्कालीन महामंडलेश्वर एवं महंत की मृत्यु के बाद एक साधारण समारोह में जूना अखाड़े द्वारा विभूति नारायण त्रिपाठी की चादरपोशी कर उन्हें बेनी माधव मंदिर का महंत और महामंडलेश्वर के पद पर नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा यह दावा पेश किया गया है कि सदियों से यह संपूर्ण मंदिर महानिर्वाणी अखाड़ा के अंतर्गत आता है। और उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि स्वयं को महामंडलेश्वर और महंत कहने वाली विभूति नारायण त्रिपाठी ने पूर्व में एक मुस्लिम पुरुष के साथ मुंबई में शादी कर ली थी और उपरोक्त काल में समय समय पर कई मुस्लिम महिलाओं को मठ के अंदर आते जाते देखा जा रहा है, जो कि सनातन धर्म के किसी भी महंत या महामंडलेश्वर को शोभा नहीं देता। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से विभूति नारायण त्रिपाठी अध्यापन का कार्य भी कर रही है, जहां से वे लाखों की वेतन ले रहे हैं, जो कि किसी भी सन्यासी के लिए पूरी तरीके से निषिद्ध है। इससे पहले भी इस प्रकार के मामले में महामंडलेश्वरों की निष्कासन किया गया है, जहाँ वे कहीं ना कहीं लाभ के पद आसीन होकर कार्य करते रहे हैं। इस पूरे मामले पर अव्यवस्था फैली जब दोनों अखाड़े के साधु बेनी माधव मंदिर परिसर में जम गए और उनकी आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा एवं पूरे बेनी माधव मंदिर परिसर को खाली कराकर अस्थायी रूप से सील कर दिया एवं दोनों पक्षों को किसी तरह थाने ले गई, जहाँ देर रात तक पूरे मामले को समझाने के लिए मंथन होता रहा। अब बेनी माधव मंदिर किस अखाड़े का आधिपत्य होगा, इस विषय को लेकर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात थाने में रखी है। प्रशासन पूरे मामले में चुप्पी साधे हुआ है और सीधे तौर पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वही साधुओं के साथ साथ आम जनता पर भी काफी रोष व्याप्त है और उनका कहना है कि साधुओं की आपस की वर्चस्व की लड़ाई के बीच आम जनता भगवान से दूर होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा इन साधुओं को आगे भुगतना पड़ेगा। कहेंगे तो आप एक मिनट, अरे इसकी इतनी फाइल आई है, इनके पासपोर्ट पे भी कुछ अलग है, इनका फेसबुक भी कुछ अलग है। आप बताइए, एक ये कौन से ये थे यहाँ वाले हरिगिरि ये थे महामंडलेश्वर पद से हट गए। महामंडलेश्वर क्या उनको जो है वो जो चार पीस का हाँ। होता है। एक मिनट पासपोर्ट नंबर सही से लेने लीजिए। 1664058 K156405A दोनों तरफ से पेट में बड़ी हो रही है, बढ़ा है ना, इसीलिए आप बेड पर कर काइट हो गए आप नेट का सब हो रहा है।
हाँ भाई भेज दो। किधर से निकलेंगे? बैक हो इसी के सामने वाले से। बड़ा इसी से। अच्छा चलिए इसी से। अरे आप इधर होइए। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ये चारमणि बुद्धा का स्थान था, चारमणि बुद्धा का स्थान है, परंपरागत चला आया। और मैडम ने कहा कि जो है मेरी व्यवस्था है, मंत्री के साथ चली गई आसन में। और ये मुस्लिम हैं, इनका बेटा है, इनका सारा चीज है, संतों के पास कोई बेटी बेटा थोड़ी ना होते हैं। ये किराएदार के रूप में थे, बता दिए कि हम उनकी बेटी हैं। आज आप यहाँ किस लिए आए? दर्शनार्थी का है कि पूजा पाठ समय समय होता है, बच्चे बच्चे यहाँ चल रहा है, तब जो है हम लोग यहाँ इनके कार्रवाई करने के लिए आए। आपका परिचय? हमारा नाम है मंत्र राजगिरी, श्री पंचायत।